We'll be right back.
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं देहति पावकः, न चैनं क्लेदन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न पवन सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न आग जला सकती है। आत्मा अजर अमर है। मम्मी फिर मिलेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं देहति पावकः, न चैनं क्लेदन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न पवन सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न आग जला सकती है। आत्मा अजर अमर है। मम्मी फिर मिलेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं देहति पावकः, न चैनं क्लेदन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न पवन सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, न आग जला सकती है। आत्मा अजर अमर है। मम्मी फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम आपको गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा का दर्शन भी करवा रहे हैं और उसका विवरण भी आपको बता रहे हैं। तो मथुरा से करीब 18-20 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत है, तो आप मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से सीधी बसें हैं और टाटा मैजिक और कई वाहन जाते हैं, ऑटो वगैरह जाते हैं, वहाँ से गोवर्धन पहुँच सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन से न्यू बस स्टैंड जाना पड़ेगा। जब आप गोवर्धन पहुंच जाते हैं, उसके बाद में वहाँ अगर चाहें तो धर्मशालाएं हैं जो कुछ पैसा लेती हैं, तो वहाँ रुक सकते हैं। और अगर न रुकना चाहें तो न रुकें। वहाँ पर फिर कई दुकानों में जूता स्टैंड बने हुए हैं, तो कृपया जूते वहाँ उतार दें, क्योंकि जो परिक्रमा दी जाती है वो वहाँ नंगे पैर दी जाती है,
पूरी परिक्रमा में नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ती है। तो वहाँ जूता स्टैंड है, 10 रुपया लेते हैं, तो आप अपने जूते वहाँ पर उनके यहाँ रख दें और पूरी परिक्रमा होने के बाद वापस वो रसीद देते हैं, उस रसीद को दिखाएंगे तो वो आपके जूते वापस मिल जाते हैं। ये दो विधियाँ हैं, तो या तो एक धर्मशाला में रुक जाएं या फिर जो है जूता स्टैंड पे 10 रुपया दे करके अपने जूते और जो सामान रखना है, और भी कुछ सामान है तो वो किराया लेते हैं तो उसको रख सकते हैं सुरक्षित से। लेकिन परिक्रमा पैदल देनी पड़ेगी और नंगे पांव देनी पड़ेगी। अब इस परिक्रमा के विषय में सुनिए आप, तो गोवर्धन की परिक्रमा कुल 21 किलोमीटर की है। सही तरीके से जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की है, यानी 7 कोस। तो 7 कोस की परिक्रमा कही जाती है ये, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, इस हिसाब से ये 7 या 21 यानी 21 किलोमीटर या 7 कोस की परिक्रमा इसको कहा जाता है। अब ये परिक्रमा 2 भागों में बटी हुई है, एक बड़ी परिक्रमा कही जाती है और दूसरी छोटी, दूसरी तरफ की छोटी परिक्रमा, यानी पर्वत के ठीक बीचों बीच में उसको पर्वत को काट करके मंदिर बनाए हुए हैं। परिक्रमा इस बीच वाले स्थान से शुरू होती है, तो सर्वप्रथम जो परिक्रमा दी जाती है वो पहली परिक्रमा जिसको बोलते हैं वो 4 कोस की यानी कि 12 किलोमीटर की है। और अब आप इस उस पर लिखा है परिक्रमा मार्ग स्थल यानी शुरुआती मार्ग स्थल, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ से वो शुरू होती है। वहाँ से सैकड़ों हजारों लोग जब परिक्रमा का समय जो है ये दशमी से पूर्णिमा तक रहता है, तो ये 5 दिन परिक्रमा जो चलती है, 5-6 दिन, तो उसमें वहाँ पे भीड़ बहुत चलती है, तो उस भीड़ में परिक्रमा आपको लगानी होती है, वो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ उस समय। और इसमें जो है आप जब परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम आपको 4 कोस वाली यानी कि 12 किलोमीटर वाली परिक्रमा पूर्ण करनी होती है, तो उससे पूर्व परिक्रमा प्रारंभ करने का जो नियम है वो ये है कि वहाँ दान घाटी मंदिर है, तो दान घाटी मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है, राधे जी का है, तो उसके दर्शन आवश्यक हैं, उसमें पूजा आवश्यक है, तो पहले आप उसमें पूजा करेंगे, वहाँ दूध फूल माला नैवेद्य जो भी आपको अर्पित करना है 56 भोग तक का, और तमाम उसमें जितना जिसकी क्षमता है वो उतना उधर उस मंदिर में करके आए। तो दानघाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद ही और उसकी परिक्रमा लगा लेने के बाद ही फिर परिक्रमा शुरू की जाएगी, यानी सर्वप्रथम आपको दान घाटी मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे जो इस फिल्म में हम दिखा रहे हैं। इस फिल्म में हम आपको दान घाटी मंदिर के चित्र भी दिखा रहे हैं और दान घाटी मंदिर का वीडियो भी दिखा रहे हैं, और यहीं पर ये भगवान श्री कृष्ण के गले में से माला उतार के, पहले जब हम गए थे परिक्रमा देने तब भी गले में डाल दी थी पुजारी जी ने, और फिर गए तो फिर उन्होंने क्या फिर उन्होंने फिर डाल दी, अब की बात 2-2 माला डाल दी थी। तो यहाँ दान घाटी मंदिर में जो है आप पहले पूजा करेंगे, आप इसका चित्र देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ये हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, और ये हमने बाकायदा अनुमति ले ली थी, और अनुमति के बाद ही ये पूरा शूट लिया था। इसके उपरांत जो है दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आप पहली परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, तो पहली परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें 2-3 सावधानियां रखें। परिक्रमा पथ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं और कुछ नवीन बन गए हैं, कुछ फर्जी वैसी मूर्तियां रख दी गई हैं लोगों को लूटने के लिए, और कुछ छोटे छोटे बच्चे छोड़ दिए गए हैं और तमाम भिखारी छोड़ दिए गए हैं।
जो शुरू से ही आपको आपका रास्ता रोक लेंगे, परिक्रमा रोक देंगे आपकी, और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और वो सिक्के मांगने लगते हैं। ऐसे करीबन आपको पहली परिक्रमा पथ पे 1-1.5 हज़ार बच्चे मिलेंगे, और दूसरी परिक्रमा पथ पे करीबन 300-400 बच्चे इस प्रकार के मिलते हैं। तो आप इनसे बच के चलें। ये जो प्रतिमाएं इधर उधर रख दी हैं, कहीं शनि की रख दी है, कहीं किसी की रख दी है, कहीं किसी की, ये वो नहीं है, परिक्रमा का हिस्सा नहीं है। ये तो क्या है कि सबने अपने अपने लूटने के और पेट पालने के वहाँ पर धंधे बना लिए हैं, तो इनसे बच के जाएं, और न इन बच्चों को किसी को भी कुछ भी दें, वरना आप पूरी परिक्रमा देते देते भिखारी बन जाएंगे खुद, और भिखारी बन के वापस लौटेंगे। तो न किसी बच्चे को, न किसी भिखारी को, और न ऐसी जो प्रतिमाएं रख दी गई हैं जगह जगह, परिक्रमा मार्ग रोक दिया गया है, परिक्रमा मार्ग बाधित कर दिया है, परिक्रमा मार्ग में रास्ते में ही रख दी गई हैं ऐसी ऐसी, तो परिक्रमा पथ घेर दिया गया है, जिससे परिक्रमा देने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो गुजर नहीं पाते। परिक्रमा पथ पर ही मूर्तियां धर दी हैं, वहीं पर भिखारी बैठ जाते हैं, और वहीं पर सब मांगने वाले, और ये बच्चे बहुत छोड़ दिए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल की उम्र के, 4 साल की उम्र के, ये इनकी लूटमार ज्यादा है, तो इनसे सबसे बच के चलें। ये परिक्रमा का पथ रोकते हैं, परिक्रमा देने से आगे अड़ जाते हैं, और जब तक दोगे नहीं तो आपके साथ 1 किलोमीटर तक चले जाएं, 1.5 किलोमीटर तक चले जाएं, तो इन पर किसी प्रकार की दया करने की या उसकी जरूरत नहीं। ये 1-1.5 हज़ार बच्चों की संख्या है वहां पर, पूरी एक गैंग है, दोनों परिक्रमा पथों पर ये मिलती है, तो इनसे बच के चलें। और परिक्रमा पथ को जिस तरह से घेरा गया है, परिक्रमार्थियों को जिस तरह से रोका जाता है, मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार कहाँ सो रही है, अब वो जो कि है परिक्रमा देने वालों का रास्ता इस तरह से रोक दिया जाता है। खैर, ये सब चीजें सरकार की बद इंतजामी कहिए, या वहाँ के जिला प्रशासन की नाफरमानी, या कुछ भी समझ लीजिए, वहां वो तो स्थल व्यवस्था ठीक बदल नहीं गया है। है, जहां जहां तो उन्होंने फिर, और विकास दूसरी किया है, बात ये कि वहाँ विकास किया परिक्रमा पथ के बगल से वो पक्की स्थल सड़क है, रिसोर्ट्स हैं। तो आप पक्की सड़क पे परिक्रमा न दें, क्योंकि नंगे पांव परिक्रमा देने में पक्की सड़क से जब आप गुजरेंगे तो कंकड़ जो चुभते हैं आपके पांव में छाले पड़ जाएंगे, और जो छाले फूट फूट भी जाएंगे तो तकलीफ ज्यादा होगी, और इसलिए परिक्रमा देने का नियम ये है, कच्ची मिट्टी में देना चाहिए। तो बगल में ही कच्ची मिट्टी का पाथ बना हुआ है, आप जिसे अपने शहर की भाषा में फुटपाथ कह सकते हैं, इनफैक्ट वो फुटपाथ नहीं, सड़क के बराबर आधी चौड़ाई का रास्ता है, वही असल मार्ग है, वही परिक्रमा मार्ग है, प्राचीन मार्ग है, वो कच्चा मार्ग है, और कच्चे मार्ग पे ही आदिकाल से परिक्रमा उसी मार्ग पर दी जाती है। तो कच्चे मार्ग पे दें, मिट्टी में दें, धूल में, न कि सड़क पर। सड़क का जो परिक्रमा है वो मान्य नहीं है, और मान्य नहीं के अलावा आपको शारीरिक रूप से परेशान कर देगा, और आप केवल कुछ किलोमीटर के बाद ही थक के बैठ परिक्रमा देने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें परिक्रमा पथ में जो सबसे पहले आपको मिलेगा, तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे माँ दुर्गा के। ये राजस्थान सीमा प्रारंभ, ये परिक्रमा 2 स्टेट से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से और राजस्थान से। तो जैसे ही आप पहली परिक्रमा पर चलते हैं, तो वहाँ पर राजस्थान सीमा प्रारंभ होती है, वहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, उसी जगह पर बना है, और वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, जती का पुरा 4 किलोमीटर। तो जती के पुरा से 4 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है माँ दुर्गा का। तो यहाँ माँ दुर्गा के दर्शन के, यहाँ नाथ बाबा हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, और वहाँ पे वो महिलाओं से पैर नहीं छुपवाते हैं, और वहाँ पे पैसा चढ़ाने के लिए मना करते हैं, कहते हैं माँ के लिए कुछ ले आइए, जैसे देशी घी, आपको जोत जलवानी है तो देशी घी लेके जाइए, या मान लीजिए माँ के सेवा के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनको वस्त्र
वस्त्र आदि अर्पण करना जो या और भी कई चीजें रहती हैं, तो वो आप सामान लेके जाइए। फिर पैसा आपको चढ़ाना है वो दान पेटी में डाल दीजिए भले ही। ये आपका पहला मंदिर पड़ता है। उसके बाद में अगला मंदिर है पूंछरी का लोटा। तो पूंछरी का लोटा ये भी आदिकाल का मंदिर है, और इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना पड़ता है हर परिक्रमार्थी को। इस मंदिर में दर्शन करने इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि पूंछरी के लोटा वो हाजिरी लगाते हैं, परिक्रमा में कौन आया इसकी हाजिरी भरते हैं, ऐसी मान्यता है। और आदिकाल से, प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि पूंछरी के लोटा के दर्शन के बगैर आप अगर गुजर गए तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी कि आप परिक्रमा में आए थे। तो वहाँ पूंछरी का लोटा है तो उसके दर्शन करिए, और वहाँ पर जो भेंट आप अर्पित कर सकें वो अर्पित करिए, आगे बढ़िए। तो पूंछरी के लोटा पे हाजिरी लगने के बाद में फिर जब आप आगे जाएंगे तो फिर आगे जा करके अब जो है ये परिक्रमा मार्ग थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, सरकार ने नए नए कुंड बनवा दिए हैं। तो पहले ये जो मार्ग था जैसे 21 किलोमीटर का, उसको बढ़ा करके अब 25 किलोमीटर कर दिया है। क्योंकि पहले जो रास्ते गुजरते थे तो वो उन तालाबों से होकर के गुजरते थे, वहाँ कुछ नहीं था। अब ये बड़े बड़े कुंड बनवा देने के कारण उन्हें सड़कों को घुमा दिया है, तो जितना घुमाया है और फेरा ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो पहली परिक्रमा में ये करीबन 2-2.5 किलोमीटर का फेरा बढ़ गया है, और दूसरी परिक्रमा में भी ये 1-1.5 किलोमीटर का फेरा बढ़ गया, यानी कि कुल 24-25 किलोमीटर की परिक्रमा बना दी है ये 21 किलोमीटर की जगह। तो ये नए नए कुंड बन गए हैं, तो इन कुंडों के चक्कर में न फंस के जो मुख्य कुंड है उन्हीं के ही दर्शन करना चाहिए, उन्हीं पे ही कुछ अर्पित करना चाहिए। तो पूंछरी के लोटा के बाद में आके आगे जाके एक गांव पड़ता है जतिपुरा। तो जतिपुरा गांव में पर्वत घुसना पड़ता, अंदर सड़क छोड़नी पड़ेगी आपको, बीच में से रास्ता कटा हुआ है। अगर आप सड़क पर चले गए तो फिर वो वहाँ जो मुखारविंद बना हुआ है, मुखारविंद यानी कि जो पर्वत का अंत है वहाँ पर श्री कृष्ण की प्रतिमा जो बनी है, उस विग्रह जो रहता है उसी को मुखारविंद कहा जाता है। जतिकापुरा का जो मुखारविंद है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। तो जति के पुरा के मुखारविंद पर दर्शन करना, उन पर प्रसाद अर्पण करना और माथा टेकना, वहाँ जोत जलती रहती है अखंड, उसमें घी डालना, देसी घी ले जाके चढ़ाना, या भगवान को श्री कृष्ण जी को दूध से और उससे देसी घी से स्नान कराना, उनका बाकायदा अभिषेक कराना या अभिषेक की राशि जमा कर देना, या आप कई तरीके से वहाँ पूजा कर सकते हैं। वो तो जतिकेपुरा का भी वीडियो हम आपको यहाँ इस फिल्म में दिखा रहे हैं, जतिपुरा के मुखारविंद का चित्र भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखा रहे हैं, तो इसे भी आप देख लीजिए। ये जतिकापुरा इसलिए महत्वपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण जब दक्षिण की ओर गए थे, दक्षिण भारत की ओर यहाँ से छोड़ गए, तो दक्षिण की ओर इसी इसी जगह से गए थे, इसी स्थान से गए थे, जतिपुरा से गए थे। तो यहाँ से वो गए थे दक्षिण की ओर, ये वही स्थान है जतिकापुरा जो मुखारविंद है, इसीलिए वहाँ पे ये जति के पुरा में उनका ये मुखारविंद बना है, और इसकी बहुत मान्यता है, इसकी पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा से की जाती है। तो यहाँ प्रेम से पूजा कीजिए। इसके बाद थोड़ा आप पीछे को मत लौटिए, यानी मुखारविंद के दर्शन करके उसी पथ पे वापस मत लौटिए, बल्कि थोड़ा पुराना परिक्रमा मार्ग है उस पे आगे बढ़िए। तो पुराने परिक्रमा मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ दंडवती शिला है पांडवों की, तो पांडवों की जो शिला है उसके दर्शन जरूर करें। वहाँ पे मनोती की जाती है, जो भी मनोती आप करेंगे वो पूरी हो जाए तो उसके बाद में जा करके वहाँ पे 12 परिक्रमाएं उसकी लगानी पड़ती हैं दंडवती शिला की। ये पांडवों के द्वारा स्थापित है, और संयोग की बात है कि मैं पांडव अर्जुन का वंशज और महाभारत सम्राट महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी स्वयं अपने स्वर में इसको उच्चारण कर रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा,
उनके पुत्र अर्जुन के और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु उन्हीं के वंशज हैं हम, तो हमारा भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहरा नाता है। तो ये दंडवती शिला के बाद में फिर जो पुराना परिक्रमा मार्ग है आप उससे आगे बढ़ें, तो उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर ठीक जाके सड़क पे मिल जाएंगे, यानी कि परिक्रमा मार्ग आपको मिल जाएगा, उसी पर पहुंच जाएंगे। और बीच का ये फेरा कट जाएगा, रास्ता कट जाएगा करीबन 1 किलोमीटर का, आपका ये बचाव हो जाएगा, पुराने परिक्रमा मार्ग से वहाँ से आगे बढ़ें। लेकिन पांडव शिला, दंडवती शिला के दर्शन करें या मनोती वहाँ जो करनी है वो उसको अवश्य करें। इसके उपरांत आप आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की थी, यानी दान घाटी मंदिर पर वापस से पहुँच जाएंगे। तो वहाँ चाय वाय पी लीजिए जो आपको, तो वहाँ एक विशेषता है कि हर चीज़ के दाम फिक्स हैं और चीज़ में क्वालिटी है। वहाँ पे भगवान के पूरे उसमें गोवर्धन क्षेत्र में कोई भी चीज़ आपको घटिया या नकली नहीं मिलती, सब चीज़ें सही शुद्ध प्राप्त होती हैं। और चाय भी वहाँ पे आप पियेंगे तो चाय में आपको हर जगह पूरे परिक्रमा पथ पर किसी भी जगह पी लीजिए, चाय में क्वालिटी मिलेगी। वहाँ लोग जो है इस मामले में काफ़ी शुद्ध हैं, तो इस बात की वहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, जो कि भारत में एक ऐसी जगह है कि जहाँ हर जगह पूरे परिक्रमा पथ पर चाय में क्वालिटी है और चाय के दाम फिक्स हैं, किसी भी चीज़ के चाय क्या। और आप नहीं भी चाय पीते तो कहीं भी बैठ सकते हैं, कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं और बैठ के आराम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं वहाँ। और जब परिक्रमा के समय पर आप जाते हैं दशमी से लेकर पूर्णिमा तक, तो वहाँ भंडारे चलते हैं कदम कदम पर, जो धार्मिक लोग हैं वहाँ भंडारा लगाते हैं। उन भंडारों में जो है आपको कदम कदम पर खाने पीने की चीज़ें फ्री में मिलती रहती हैं, वो लोग भंडारे में बांटते रहते हैं, तो कहीं चना, कहीं हलवा, कहीं कछु, कहीं कुछ, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती जाती हैं। तो आपको परिक्रमा में खाने पीने की भी दिक्कत नहीं पड़ती, आप खाना पीना नहीं ले जाते तो भी आपकी पूरी परिक्रमा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे भंडारे लगे रहते हैं और हर जगह पे हर चीज़ खाने पीने की फ्री में आपको मिलती है। वो लोग दानी लोग रहते हैं, जो धर्मात्मा लोग रहते हैं, विदेशों के रहते हैं, दिल्ली या बम्बई या चेन्नई या कलकत्ता, बहुत बड़े बड़े जो अमीर घराने हैं उनके भंडारे वहाँ लगते हैं, तो बहुत बढ़ता है वहाँ, कदम कदम पे भंडारे मिलते हैं। इसके बाद में आप पहली परिक्रमा पूर्ण करके दान घाटी मंदिर पे वापस आ जाएंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत विश्राम करना है, चाय वाय पीना है, कर लीजिए। धर्मशाला में रुके हैं तो आप जाके 2-4 घंटे आराम कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी परिक्रमा स्टार्ट कर दें। तो जो दूसरी परिक्रमा है उसे छोटी परिक्रमा कहा जाता है, वो 9 किलोमीटर की है, यानी 3 कोस की है, 3 कोस की है यानी 9 किलोमीटर की है। तो आप फिर उस परिक्रमा को, यानी पर्वत के आधे पर्वत की आप दे चुके, अब आधे पर्वत की अगले की देनी है, तो वो उस ओर बढ़ना है, दूसरी ओर। तो पहले दान घाटी मंदिर के सामने वाली परिक्रमा दी जाती है और फिर दान घाटी मंदिर के बगल से परिक्रमा जो गुजरती है उसे छोटी परिक्रमा कहते हैं, उसको दी जाती है। तो अब आप इस परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा परिक्रमा लिखा हुआ, हर जगह परिक्रमा मार्ग बोर्ड लगे हुए हैं, तो परिक्रमा मार्ग पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 2-3 चीज़ें वहाँ इम्पोर्टेंट मिलती हैं। वहाँ दक्षिणमुखी हनुमान जी, भैरव और माँ काली का मंदिर है पीपल के नीचे, जो कि आप बारीक नज़र से देखेंगे तो मिल जाएगा, दिख जाएगा, वहाँ दर्शन जरूर कर लें, क्योंकि दक्षिणमुखी हनुमान, भैरव और काली एक साथ मिलना बहुत सौभाग्य, मतलब बहुत ही भाग्यवान लोगों को दर्शन होते हैं इनके। इसके बाद में वहाँ पे आपको फिर एक चूतर टेका नाम की जगह आती है, तो चूतर टेका ये जगह अति प्राचीन जगह है, आदिकाल से है। यहाँ पर क्या है, ये नियम है कि यहाँ पर आपको भले ही 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए सही,
वहाँ बेंचें पड़ी हैं, उन पर बैठना जरूरी है, आवश्यक है। आप वहाँ पर बैठे बगैर परिक्रमा को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो इसीलिए उस जगह का नाम है चूतर टेका। तो आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो उन बेंचों पे आप भले ही 2 मिनट को बैठें, 5 मिनट को बैठें, लेकिन बैठें, वहाँ पे रुकना ज़रूरी। उसके बाद में आप आगे जाएंगे परिक्रमा में, तो परिक्रमा पथ हम दिखा रहे हैं, और इस परिक्रमा पथ पे आपको सब व्यवस्थाएं हैं। फिर आगे जा करके भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि साउथ वालों का है, दक्षिण भारत वालों ने बनाया हुआ है। तो जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम जी तीनों हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में। इस मंदिर के दर्शन कर लें, उसी कैंपस में 2-3 मंदिर और हैं, उनके दर्शन कर लें, फिर परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ जाएं। परिक्रमा मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको जो है उसमें आगे चल के थोड़ा राधा कुंड, ये राधा कुंड के चित्र और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और राधा कुंड के ठीक बगल में ही श्री कृष्ण कुंड बना हुआ है, जिसे श्याम कुंड कहते हैं, वैसे उसका असल नाम श्री कृष्ण कुंड है। तो ये दोनों कुंड आसपास बने हैं, बीच में एक पट्टी है चौड़ी, और एक तरफ श्री कृष्ण कुंड है, एक तरफ राधा कुंड है। तो राधा कुंड जाना पे है अंकल, आप जो है बीच जा में सकते उनके चरण वगैरह बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं, हैं? तो हाँ उस हाँ पे हाँ जाकर के पूजा कर लें। और अगर आपको वो जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो राधा कुंड में किसी भी जगह पर वैसे तो स्नान करना आवश्यक होता है, कि राधा कुंड में और श्री कृष्ण कुंड में स्नान करें, लेकिन आप स्नान न करना चाहें तो कम से कम हाथ पैर मुंह अवश्य वहाँ धो लें। फिर वहाँ घी का एक दीपक जलाया जाता है, और थोड़ी धूप बत्ती साथ ले जाएं, धूप, और वहाँ पे धूप बत्ती अवश्य सुलगा दें। राधा कुंड चौकोर है, बिल्कुल सीधा सरल है, क्योंकि राधा जी बिल्कुल सीधी सरल थीं, सच्ची थीं, तो उनका कुंड बड़ा चौकोर सीधा सरल और वैसा है। और उसके बगल में जो श्री कृष्ण कुंड है वो टेढ़ा मेढ़ा है। दूसरी ओर जाएंगे तो श्री कृष्ण कुंड पे भी आपको घी की बत्तियां जलानी पड़ती हैं। तो घी का जो दीपक है, तो जब मनौती के अनुसार जितनी संख्या बोली हो तो उतनी संख्या में वो दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन आप एक दीपक चाहें तो एक दीपक घी का जला दें और धूप भी वहाँ सुलगा दें श्री कृष्ण कुंड पर। और वहाँ पर मंत्र अवश्य उच्चारण कर दें, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और इसके बाद में वहाँ पर पुजारियों ने बना रखा एक मंदिर, पत्थर इकट्ठे कर रखे हैं पर्वत के, तो वहाँ पे वो कहते हैं सेवा वगैरह करो, इनकी पूजा वूजा करो। तो आप वहाँ माथा टेक दीजिए, कुछ सेवा करने की मन में हो तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं है। हमने तो नहीं करी, हम तो फटकार ही आए, हमारी तो हम बढ़िया सुनाया है हम खरी खोटी, क्योंकि सेवा मांगी नहीं जाती, लूट के नहीं कराई, वो वहाँ लूट करते हैं, तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं आई। तब हमने उनको फटकार के कहा, ठाकुर जी से, ठाकुर जी के ही सामने अड़ रहे हो, पंडो पंडितो तुम अपॉइंट करे हो, तुम पे अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? ठाकुर जी ने अपॉइंटमेंट दिया है क्या तुमको? बैठ गए भिखारी बन के, जिससे कहो उससे इतने चढ़ाओ उतने चढ़ाओ। तो हम बहुत बड़ी फटकार लगाया है, और जिनकी पूजा कर रहा है उन्हीं की बहन का बेटा हूँ, वंशज हूँ मैं, इन्हीं सुभद्रा का, तो तोमर ठाकुर हूँ। बहुत फटकार लगाई मैंने उनको तगड़ी, सब चुप रह गए। और फिर हमने उसका वीडियो भी बनाया, वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमने वो जो उनको फटकार लगाई उस सीन को हमने काट दिया, क्योंकि वो बेबस हो गए, बेचारे रह गए। तो मैंने कहा शर्म नहीं आती? अरे मैंने कि तुम इस तरह लूटते हो बिना बंदूक के, सीधे आ जाओ चंबल में, बंदूक लेके तुमको एक पकड़ करवा देंगे, तुम जिंदगी में इतना कमाओगे एक ही पकड़ में मिल जाएगा तुमको, अपहरण में मिल जाएगा। यहाँ बैठ गए हो,
सबसे इतना चढ़ा फालतू का जी, बंद करो नाटक, बहुत कुछ कह दिया मैंने। खैर तो वो सीन हमने इसमें से काट दिया। तो वहाँ लूट बहुत है, जबरदस्ती लूट करते हैं। तो फिर इसके बाद में राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के बाद में आप जब जाएंगे तो महाराजा वीर सिंह जी देव द्वारा बनवाया महल मिलेगा आपको आगे परिक्रमा पथ में। तो बहुत भव्य महल है ये। वीरम देव सिंह तोमर जो थे, ग्वालियर के पहले महाराजा बने, महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वो थे। और ये चित्तौड़गढ़ की जो रानी थी पद्मावती पद्मिनी, उनके पुत्र थे। तो वो उन्होंने जो है ग्वालियर किले पे जब राज्य किया उसी समय परिक्रमा पथ में एक भव्य महल बनवाया है। तो भव्य महल में भव्य कुंड बना हुआ है और बाकायदा रानियों के स्नान के लिए और वो सबके, बहुत भव्यता उसकी बहुत ज़्यादा है। उसका भी वीडियो हम आपको यहाँ इस फिल्म में दिखा रहे हैं। ये वीर सिंह जूदेव उन्हीं को कहते हैं, वीरम देव सिंह तोमर को। उन्हीं का नाम देववरम ही है, देववरम और वीरम देव सिंह और वीर सिंह जूदेव उन्हीं का नाम है। तो ये उन्हीं का बनवाया हुआ महल है, यहाँ परिक्रमा पथ में बनवाया उन्होंने। और ये बहुत भव्य, इसमें स्नान कुंड है और बाकायदा पूरा ये, तो ये महाराज का है, तोमर महाराज का है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे जा करके मिलती है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा में पहले स्नान करिए, फिर मानसी गंगा पे अंतिम मुखारविंद मिलता है, यानी श्री कृष्ण भगवान के अंतिम विग्रह के। ये सब प्राचीन है, आदिकालीन है, इन्हीं मंदिरों की केवल पूजा की जाती। बीच बीच में जो बना बना दिए हैं जगह जगह, ये सब नकली और फर्जी मंदिर हैं। और जो असल हैं उनका ही परिचय हम आपको दे रहे हैं। अब ये मानसी गंगा आता है, तो मानसी गंगा सरोवर है तो उसमें स्नान आवश्यक है। फव्वारे चलते हैं तो फव्वारे में आप बैठ के स्नान कर लीजिए। आपको मानसी गंगा में उतरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत गहरी है। आप उतरते हैं तो फिसल सकते हैं या उसमें डूब के मर सकते हैं। कई लोग ऐसा बीच में घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। तो अब वहाँ प्रशासन ने फव्वारे लगवा दिए, तो फव्वारे में बैठ के स्नान कर लीजिए। फिर मानसी गंगा का जो श्री विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का, उस पर दूध और वो नैवेद्य आदि फूल माला अर्पित की जाती हैं। वहीं धूप बत्ती जलाने का एक स्थान है पेड़ के नीचे, वहाँ आप धूप बत्ती सुलगा दीजिए स्नान आदि करके। और फिर जो दक्षिणा आपको जो देनी हो, जो भी चढ़ावा चढ़ाना हो, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप उसके अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार उनको पुजारी जी को या फिर उस दान पेटी में वो पैसा डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। मानसी गंगा पर अब पहले मांगा मुंगी होती थी, लूट होती थी, तो वो हमारी एक बार झड़प हो गई, उसके बाद से वहाँ बंद हो गई। अब वो बोर्ड लगे हैं तो आप अपने मन से, अब वहाँ कोई पुजारी नहीं मांगता, वो पूरी श्रद्धा भक्ति से आप माथा टेक करके उनके दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। इस परिक्रमा को यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं मानसी गंगा के मुखारविंद पर, तो आपकी ये परिक्रमा पूर्ण हुई। इसके बाद में आप बाजार से निकलते हैं, बाजार में पूजा पाठ की और कई धार्मिक और वैसी चीज़ें मिलती हैं, तो आप चाहें जो आवश्यकता हो उसे खरीद लें। और आप परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, अब आप अपने घर की वापसी के लिए गोवर्धन से सीधे मथुरा के लिए वाहन पकड़ लें। और मथुरा से सीधा रेल लाइन है, तो आप रेल से जो है सीधे अपने घर की ओर वापसी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ये परिक्रमा का पूरा मैंने एक संक्षिप्त सा विवरण दिया है। पूरा विवरण दूंगा तो पूरे जितने घंटे लगते हैं परिक्रमा देने में उतना पूरा हो जाएगा। तो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसी के साथ मैं नरेंद्र सिंह तोमर, महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपत अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी में अपनी बात
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कर मस्तक पर टकरा जाए उसी से मुक्ति मोक्ष हो जाए।
out the door, then you have magic.